आइए बाबू, 22 पर पढ़ाई करो। 3 क्वेश्चन आपका दिया गया है। पहला आपका जानते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है विद्युत परिपथ का क्या अर्थ है। तो सुना, वह परिपथ है बाबू, वह परिपथ जिसमें धारा बहता है उसको विद्युत, हाँ वह परिपथ जिसमें क्या बहता है। आ सुन लो कहानी, अब एक विद्युत परिपथ बनाने में कौन कौन वस्तु की आवश्यकता होती है या कौन कौन घटक कह सकते हैं। अब भैया जो देखा विद्युत परिपथ है दबा, तो देखो एगो स्विच की आवश्यकता बा कि नहीं, जा स्विच भी बाई जा, एक अंदर तार भी जुड़ल बाटे, स्विच चाहिए तार चाहिए, आ इसको बैटरी भी चाहिए, और माने कर लाइट्स लिया करो तो बैटरी भी चाहिए, आ धारा नियंत्रक भी चाहिए। इसमें तो मैंने नहीं क्या लगा, लेकिन एमीटर भी लगा होता है धारा को नापता है, वोल्टमीटर भी लगा होता है, ये सब मिलता है तो क्या बनता है, विद्युत परिपथ बनता है। क्या बनता है, परिपथ का मतलब बोर्ड, परिपथ का मतलब बोर्ड में जितना चीज लगता है सबको मिला दोगे तो का उसी को कहते हैं विद्युत परिपथ। का लगा सकते हो, स्विच तो लगता है ना, स्विच भी लगता है उसमें, आ देखते हैं फ्यूज भी लगता है, होल्डर भी लगता है, तार भी लगता है, आ उसमें वोल्ट मीटर भी लगा रहता है, मीटर भी लगा होता है, मीटर अलग से लगता है जो रीडिंग बताता है। तो लिखा जाएगा, तो लिखो पहला का उत्तर में, बना लो विद्युत परिपथ हेडिंग। अरे ना विद्युत परिपथ हुआ होता है, विद्युत परिपथ हुआ होता है जिसमें धारा बहता है, जिसमें धारा बहता है, माने विद्युत परिपथ वह होता है जिसमें धारा बहता है, और लिखना विद्युत परिपथ निम्न घटकों से मिलकर बना होता है, निम्न घटकों से मिलकर बना होता है, निम्न घटकों से मिलकर कौन कौन घटक, अरे ए नंबर, बी नंबर, सी नंबर, डी नंबर, ई नंबर। पहला तो विद्युत तारे चाहिए बनावे खातिर, बिना तार के धारा बह ही, स्विच भी चाहिए आपको, चाहिए कि नहीं चाहिए, बैटरी भी आपको चाहिए, कुंजी पूंजी तो ये गया, वोल्ट मीटर भी चाहिए और अमीटर भी चाहिए। यही पहला क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो गया। आसान था कि नहीं थी, बहुत आसान था। आ जाओ आई बराबर काली कहते क्यू बाई, कहानी यही है। अच्छा कुछ याद आ रहा है, आई बराबर जो क्यू बाई टी लिखे थे, तो जहाँ टी है तहाँ एक लिख दो, एक सेकेंड, जहाँ टी बता का लिखा जाएगा एक सेकेंड, आ जहाँ क्यू बता का लिखा जाएगा एक गुलाम, अरे इसके जगह पर एक सेकेंड, इसके जगह पर एक गुलाम, इसके जगह पर तो क्या कहोगे, यदि किसी तार में एक सेकेंड में एक गुलाम का आवेश बहता है तो वहाँ वैद्युत धारा एक एम्पियर होगा, नहीं याद हुआ। अरे यदि किसी तार में एक सेकेंड में एक गुलाम का आवेश बहता है तो वहाँ वैद्युत धारा एक एम्पियर, तो लिख लो खराब, यदि किसी की याद सताए तो दारू पी लेना, यदि किसी तार में एक सेकेंड में एक गुलाम का आवेश प्रवाहित होता है तो वहाँ अरे वैद्युत धारा कितना होगा, एक 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 दो तीन, 1 2 3 या विनोद की दीदी, चलिए तो ये बहुत सिंपल है था भाई, यदि किसी तार में एक सेकेंड में एक गुलाम का आवेश बहता है तो वहाँ वैद्युत धारा कितना,
चलिए तीसरा उत्तर लिखते हैं हम लोग। अच्छा कहा था कि क्या कर रहा है कि एक गुलाम आवेश को रचना करने में कितने इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछे सुनो है तो सुनो कैसे लगाओगे। अच्छा पढ़े हैं ना ए भाई जब कहा था एक गुलाम कहा था ना देखो एक गुलाम तो क्यों कमान कहता ना ए यार एक गुलाम का क्यों कमान एक गुलाम आ क्या पूछा तो पूछ रहा है इलेक्ट्रॉनों की संख्या यानी यान आपका पूछ रहा है। एक सूत्र पढ़े हैं क्यू बराबर यानी है क्यू बराबर क्या हो रहा है आ क्यू के अपर एक बट्टा में कहा गया आई अरे यान निकाले का बानू तो यान अकेले रखो आई गुना में तो बट्टा में आई का मान बोलो एक दशमलव छः गुना दस के ऊपर माइनस अनाइस इधर आ जाओ देखो आई कब दस के ऊपर जन घात होता है ऊपर चला जाएगा कहाँ चला जाएगा तो हाई एक वहींगे रखो आई दस के ऊपर प्लस अनाइस हो जाएगा आ नीचे आप सोलह लिख लो बराबर यानी एगो जीरो बढ़ा दो आई दशमलव के बाद एक अंक है आ एक अंक हटाओगे तो जीरो अब कहीं लाहे से दस में सोलह से भाग दे दो दसवला बढ़ाओ जीरो सोलह छः के छियानवे चार चार बचे का जीरो सोलह दूना और सोलह पच्चे जीरो दसवला छः दू पाँच मिले दस के बाद आई तनि और ही सही लिखलोगे वैज्ञानिक रूप में तो दसवलों को उठा के हिजल लिखा जा सोलह सोलह दू पाँच तो एगो दस के ऊपर माइनस एक लिखा जाए नियम ही कहता है अब दस के ऊपर अनाइस बराबर यन या यन बराबर का आ जाएगा चौदह सोलह दो पाँच गुणे उन्नीस में लेकर अठारह हाँ तो का सवाल रहा मैंने के नियम होता है कि हमेशा पहले अंक पाँच दशमलव होना चाहिए दो अंक ऐसे आएंगे तो दस के हाँ जैसे अगर हैंगा बात है समझ लेना हैंगा बात तो उठा के जा कर दो तो तीन अंक लेके जा रहे तो दस को माइनस तीन कर लो अगर ऐसा है तो समझो दसमलव हेजा बात कर उठा के हेजा करो तो छः दशमलव छः पाँच छः लेकिन दस के ऊपर प्लस तीन लिखाई जब दाएँ से बाएँ जाते हैं तो प्लस नियम होता है कि पहले अंक के पाँच दशमलव आपका लगना चाहिए हाँ जीरो नहीं होना चाहिए वैज्ञानिक से तब है अरे क्या करना है ना गुलाम आपका क्यू का मान एक गुलाम दे दिया है आयन पूछ रहा है तो क्यू बराबर यन नहीं होता है क्यू का मान एक भर दो बट्टा में यही का मान एक दशमलव छः दस को मैं सुनई अब इसको कहा करना नहीं सोलह को ऊपर कर दो प्लस में माइनस में तो प्लस में आ दसवा हटाओगे तो ऊपर दस अभी दस में भाग दे दोगे तो आ जाएंगे सिंपल सी बात है कौन इतना हार नोट कर लो इसको।